डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं या कौन सा रोग होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पता है कार्बोहाइड्रेट्स में कई सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे प्रोटीन्स आते हैं। तो जो प्रोटीन की कमी से और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं मरसमस। जो मरसमस होता है, ये आपके सामने ये फिगर दिया गया है, देख सकते हैं कि एक बच्चे की क्या हालत हो गई है। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, एकदम पतला हो गया है और जो उसकी टिश्यूज बनना होता है वो बंद हो जाता है। हाँ, इसे हम मैल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ये कुपोषण के कारण ही हुआ है। उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और उनकी बॉडी में टिश्यू जो बनने लगता है वो बहुत स्लो हो जाता है और वो काफ़ी एक परेशानी से जूझता है एक बच्चा। प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोटीन की कमी होती है वो अधिकतर छोटे बच्चों में होती है जो कि दूध पीते हैं। वो पूरी तरीके से प्रोटीन उनमें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो एक डिसीज़ से सफ़र करते हैं, जिसे कहते हैं क्वासेकोर। क्वासेकोर जो डिसीज़ होता है वो छोटे बच्चों में होता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि बच्चा किस तरीके से एकदम बुरी हालत में है, उनमें कौन कौन सी चीज़ होने लगते हैं। उनमें जो प्रोटीन होती है वो प्रॉपर रूप से उनकी बॉडी में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उनकी जो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उनके पैर मोटे हो जाते हैं, पूरी बॉडी स्वेल कर जाती है, स्किन का रंग बदलने लगता है, उनकी हेयर का रंग बदलने लगता है और उनमें एनीमिया भी होने लगती है, मतलब ब्लड की कमी भी होने लगती है। बहुत ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम होने लगती है। इनमें जो ग्रोथ होती है वो बंद तो हो ही जाती है, प्लस बच्चों में मेंटल और फिजिकल पावर भी ख़राब होने लगती है या फिर बहुत इफ़ेक्ट करने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है विटामिन सी डिफिशियंसी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, सी से, जिसे कहते हैं स्कर्वी रोग। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग जो होता है वो होता है। इनमें सिम्टम्स क्या होते हैं, इनकी जो गम्स होती हैं उसमें ब्लीडिंग आने लगती है, मतलब खून निकलने लगता है दांतों के मसूड़ों से, दांत झड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। मसल्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो सारे पेन करने लगते हैं, हमारा वेट लूज होने लगता है, हमारी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए दांत की क्या हालत हो गई है। इससे पता कर लिया जाता है कि इस बच्चे में विटामिन सी की कमी है। अब यहाँ बता रहा है प्रिवेंशन कंट्रोल, और इससे बचा कैसे जा सकता है। इससे बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों को अपने डाइट पे ऐड करना पड़ता है, जैसे सिट्रस फ्रूट जिसमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है, जैसे लेमन, ऑरेंज, टमाटो, कैबेज, लीफ वेजिटेबल्स, मतलब हरी सब्जियाँ, ये सब ऐसी हैं जिसमें विटामिन सी इसमें होती है और हमें अपने डाइट में इसको रेगुलर रखने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने जो बॉडी में विटामिन सी की कमी है वो हम अपनी बॉडी में सप्लाई कर सकें। विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, जिससे इनके दांत और हड्डियों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। बच्चा उतना कैल्शियम और फॉस्फोरस नहीं ले पाता या उनके डाइट में उतना नहीं हो पाता है, जिस कारण इस रोग से वो ग्रसित होते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि सबसे आसान और सबसे सस्ता विटामिन डी की जो कमी दूर कर सकता है वो क्या है, सनलाइट है। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए धूप जरूर दिखाते हैं, ताकि उनमें जो विटामिन डी की कमी है ना वो जो है पूरी हो जाए और जिनसे उनको कोई भी रोग ना हो, जैसे कि रिकेट्स रोग होते हैं। अब सिम्टम्स में इसमें बताया गया है कि जो पैर की हड्डियां होती हैं या फिर बॉडी में जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी और लचीली होने लगती है, कमज़ोर हो जाती है। जैसे इस बच्चे का पैर देखो कैसे टेढ़ा हुआ है। उनकी जो चेस्ट की जो हड्डियां होती हैं वो उभरने लगती हैं, मतलब बाहर आने लगती हैं।
तो इससे पता चल जाता है कि इनमें रिकेट्स रोग है, इनमें विटामिन डी की कमी है। तो डॉक्टर उनको बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि वो चीज़ें खाएं जिससे कि विटामिन डी की कमी दूर हो सके। अब यहाँ प्रिवेंशन और कंट्रोल बताया गया है कि कोड लिवर ऑयल जो होता है वो काफ़ी अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी की, और उनमें उनके डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती है, जैसे मिल्क, लीवर और वेजिटेबल्स, हरी सब्जी वाले जो पत्ते होते हैं वो खाने चाहिए हमें। वैसे नॉर्मली हमेशा हरी सब्जियां खानी चाहिए, ये भले ही स्वाद में अच्छी ना हो लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा हेल्थी फूड है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रखने में, जिसकी वजह से रिकेट्स रोग नहीं होता है। और सबसे अच्छा और सबसे फ्री वाला जो विटामिन है वो है विटामिन डी, और कहाँ से मिलता है वो हमें सन से, सन में से हमें इजीली ही विटामिन डी मिल जाता है। अगला है एनीमिया। एनीमिया रोग तब होता है जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होने लगती है। जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो हमारे अंदर एनीमिया नामक रोग होता है। जैसे पता है कि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन, हमारी बॉडी की जो ब्लड है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन होती है, जो कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में उपस्थित होती हैं। ये क्या करती हैं, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाती हैं और लंग्स हमारे हर एक बॉडी तक, मतलब बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। सिम्टम्स बताए गए हैं कि जो हमारी जो एनीमिया रोग होती है, तो नॉर्मली हम देखते हैं एनीमिया की रोग हमारे अगल बगल या फिर घर में भी कभी कभी मिलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बहुत सुस्त फील करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको एनीमिया रोग दूर करने के लिए कुछ कंट्रोल या प्रिवेंशन बताए गए हैं, ये सब अगर वो फॉलो करेंगे तो ये दूर हो सकती है। जैसे कि हमारे डाइट में हम जो डेली डाइट लेते हैं उसमें हम एग, मिल्क, पल्सेस, हरी सब्जियां, ब्रिंजल, एप्पल, बनाना, ग्वावा, ये सारी चीज़ें ऐड कर दें जिसमें कि आयरन का सोर्स हो। अगर हम वो चीज़ें ऐड कर दें तो शायद एनीमिया रोग हमारे जो अंदर है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो वेजिटेबल्स जिसमें आयरन अगर है तो हमारे अंदर से एनीमिया रोग ख़त्म हो जाएंगे। आगे है गोइटर। ग्वाइटर, ग्वाइटर क्या है, ये आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है जिसकी वजह से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। ये घेंघा रोग नॉर्मली हम देखते हैं उन्हीं को होता है जिनमें आयरन की कमी होती है। सिम्टम होते हैं जो कि हमारे गले में बड़ा सा एक ये एक थैले जैसा हो जाता है, जिसमें जो थायराइड होता है वो थायराइड जो होता है वो हार्मोनल थायरॉक्सिन बनाना थोड़ा कम कर देता है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। इसमें जो प्रिवेंशन कंट्रोल है, हमें हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, हमें नमक का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए जिसमें आयोडीन हो, तो उससे क्या होता है ये रोग कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।